हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, 144 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। वर्गमूल को लिखते हैं हम अपना अंडरूट सिंबल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा मेथड काम में लेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है। इस विधि में क्या करना है, इस दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। सर्वप्रथम हमने देखा यह 2 से विभाज्य है, कितनी बार भाग चला गया? 7 बार और 2 बार। किसका भाग दिया? 2 का। कितनी बार गया? 7 बार और 2 बार। ठीक है, यहाँ साइड में आप लिख कर भाग देकर देख सकते हैं। ओके, फिर 72 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार और 6 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 1 बार और 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 9 बार। 9 में हमने 2 का भाग दिया तो 9 आपका 2 से विभाज्य नहीं है, नॉट डिजिबल है बाई 2। तो देखिए हम आगे बढ़ गए, किसके पास गए? 3 के पास। तो 3 का भाग जा रहा है 9 में कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? 1 बार। तो 144 के आपके पास फैक्टर क्या आ गया दोस्तों? यह फैक्टर आ गया जिसमें 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। और आपका 3 कितनी बार है? 2 बार। हमें क्या चाहिए? इसका वर्गमूल का वैल्यू करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्या का जोड़ा इसमें से एक बार इसको यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा इसमें से इसको एक बार यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा इसमें से एक बार इसको यहाँ। अब इनका हम गुणा किए हैं तो कितना आ गया? 12। यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है।